हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पे करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है। तो गाइस, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो आगे भी उम्मीद करता हूँ ऐसा प्यार देते रहेंगे। तो गाइस, आज हम अपना करंट अफेयर करने जा रहे हैं नवंबर मंथ का। इससे पहले हम जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर कर चुके हैं और उसकी वीडियो जो है हमारी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, उसमें पड़ी है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें। तो गाइस, आप हमारी इससे पुराने वाली करंट अफेयर्स की वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अगर इससे पहले आपने नहीं देखी तो। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेजिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के जो है नए प्रेसिडेंट हैं, किनको इलेक्ट किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास जैर बोल्सोनारो, अंटोनियो ब्राइट, लुइस इनाको लुला डी सिल्वा या गेराल्डो अलकमिन। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है लुइस इनाको लुला डी सिल्वा। ये जो है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022। किसने जीता है फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022? तो ऑप्शन है जर्मनी, नाइजीरिया, कोलंबिया या स्पेन। तो गाइस, का राइट आंसर है स्पेन। स्पेन ने जो है अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, जमशेद जे ईरानी हु पास्ड अवे ऑन अक्टूबर 31st 2022 वाज फॉर्मर एमडी ऑफ विच कंपनी। जो जमशेद जे ईरानी थे, उनकी डेथ हो गई थी 31st अक्टूबर 2022 को, और वो किस कंपनी के जो थे मैनेजिंग डायरेक्टर थे? तो ऑप्शन है टाटा स्टील, लार्सन एंड टाबो, आईटीसी लिमिटेड या हिंडालको इंडस्ट्रीज। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर है वो है टाटा स्टील। जो जमशेद जी ईरानी थे, वो थे टाटा स्टील के एमडी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल मोनूमेंट। किसको जो है डिक्लेयर किया गया है नेशनल मोनूमेंट? तो ऑप्शन है बलिदान सितम, झारखंड वार मेमोरियल, लश्कर वार मेमोरियल या मनगढ़ धाम। तो गाइस, इसका राइट आंसर है मनगढ़ धाम। मनगढ़ धाम को नेशनल मोनूमेंट घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो मेंशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ अनाउंस चार्जेस फॉर वेरीफाइड अकाउंट। किस सोशल मीडिया ने अनाउंस किया है कि वो चार्ज लेंगे अगर वो किसी का अकाउंट वेरीफाई करेंगे? तो ऑप्शन है ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप। तो गाइस, इसका राइट आंसर है ट्विटर। ट्विटर जो है अब चार्ज लेगा किसी भी अकाउंट को वेरीफाई करने के। हु हैज़ बीन कन्फर्ड कर्नाटका भारत रत्न अवार्ड पोस्थमसली। किसको कर्नाटका का रत्न अवार्ड दिया गया मरने के उपरांत? ऑप्शन है जयंती, संचारी विजय, के वी राजू या पुनीत राजकुमार। तो गाइस, इसका राइट आंसर है पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार को कर्नाटका का रत्न अवार्ड दिया गया मरने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद पद्म विभूषण रेसिपिएंट हु पास्ड अवे ऑन 2 नवंबर 2022 वाज फाउंडर ऑफ। इलाहाबाद जो पद्म भूषण थी, वो उनकी डेथ हो गई थी 2 नवंबर 2022 को, वो किसके फाउंडर थी? तो आपके पास ऑप्शन है लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, हिंद मजदूर सभा या सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। तो गाइस, इसका राइट आंसर है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन की जो थी इलाहाबाद जो थी वो फाउंडर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बिकम द वर्ल्ड नंबर वन टी ट्वेंटी बैटर। कौन से भारतीय क्रिकेटर जो हैं वर्ल्ड के नंबर वन टी ट्वेंटी बैटर हैं? तो आपके पास ऑप्शन है विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा या के आर राहुल। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जो है बाबर आजम को पीछे करके नंबर वन बैट्समैन बन चुके थे नवंबर के मंथ में टी ट्वेंटी में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल कौन है? तो आपके पास ऑप्शन है यार लिपिट, बेनी गेंस, बेंजामिन नेतन्याहू। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। हु हैज़ बिकम बायजूस फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर सोशियो इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। बायजूस के फर्स्ट जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं उसकी सोशल इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन फॉर ऑल के लिए, तो वो कौन है? आपके पास ऑप्शन है बराक ओबामा, लियोनेल मेसी, रोजर फेडरर या विराट कोहली। तो गाइस, इसके जो राइट आंसर है वो है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी बायजूस के जो है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। इंडिया का फर्स्ट फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और वो किस सिटी में ऑर्गेनाइज़ किया गया है, श्रीनगर, भोपाल, उदयपुर या नैनीताल। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीनगर। श्रीनगर में जो है इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया। विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ ईयर 2022 बाय कॉलिंस डिक्शनरी। कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार जो वर्ड है 2022 का, उसको डिक्लेयर किया गया है वर्ड ऑफ ईयर 2022, वो वर्ड कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है पेंडेमिक, लॉकडाउन, परमा क्राइसिस या वैक्सीन। तो गैस जो कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है वो है परमा क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अक्टूबर 2022। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2022 अक्टूबर के लिए किसको दिया गया है? तो ऑप्शन है KR राहुल, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा या विराट कोहली। तो गैस इनमें से जो राइट आंसर है वो है विराट कोहली। विराट कोहली को जो दिया गया है ICC प्लेयर ऑफ द ईयर प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2022 का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेजिडेंसी इन 2023। 2023 में जो हमारी अभी G20 मीटिंग्स चल रही हैं, और इनका थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन वर्ल्ड सस्टेनेबल वर्ल्ड, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, बिल्डिंग कंसेंसस फॉर फेयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो गाइस इसका राइट आंसर है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो है G20 प्रेजिडेंसी जो है भारत के पास 2023 की, और इसका थीम है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। किसको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के लिए? तो आपके पास ऑप्शन है अरविंद कुमार, PV संजय कुमार, ऋतुराज अवस्थी या अरूप कुमार गोस्वामी। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी को चेयरपर्सन बनाया गया है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ बीन कंडक्टेड बाई विच मिनिस्ट्री। मदर टंग सर्वे कंडक्ट कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है? तो आपके पास ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो गाइज इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स जो है वो मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच हैज़ बीन इंडक्टेड इन टू द ICC हॉल ऑफ द फेम 2022। किसको इंडक्ट किया गया है ICC हॉल ऑफ द फेम 2022 के लिए? तो आपके पास ऑप्शन है राम नरेश सारवन, दीरेन गंगा, श्री नारायण चंद्रपाल या रिडले जैकब्स। तो गाइज इसका राइट आंसर है शिव नारायण चंद्रपाल। शिव नारायण चंद्रपाल को जो किया है इंडक्ट किया गया है हॉल ऑफ द फेम 2022 के लिए। विच स्टेट हैज़ अप्रूव द प्रपोजल ऑफ इंगेज रिटायर आर्मी वेटरियंस फॉर ट्रेनिंग द स्टेट पुलिस पर्सनल। कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो रिटायर आर्मी वेटरियन को जो है इंगेज करेंगी कि वो उनके पुलिस पर्सनल को ट्रेन करें? तो आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। तो गाइज इसका राइट आंसर है असम। विच स्टेट हैज़ नोटिफाई कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किसने स्टेट ने नोटिफाई किया है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को? तो ऑप्शन है कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा या तमिलनाडु। तो गाइज इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए? तो ऑप्शन है इंडिया, टर्की, चाइना या साउथ कोरिया। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिया। इंडिया जो है वो होस्ट करेगी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 को। हु इज़ द विनर ऑफ ICC मैन T20 वर्ल्ड कप 2022। और ICC मैन T20 वर्ल्ड कप 2022 का विनर कौन सी टीम थी? तो आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। तो गाइस का राइट आंसर है इंग्लैंड। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है? तो आपके पास ऑप्शन है तंजा फैजोन, कैटरीना क्रेसल्स, नताशा पिरक मूसर, वोलेटा बुल्क। तो गाइस इसका राइट आंसर है नताशा पिरक मूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड विल बी अवार्डेड टू, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसको दिया गया? तो आपके पास ऑप्शन है सौम्याजीत घोष, मैनिका बत्रा, नेहा अग्रवाल, शरत कमल अचंता। तो गाइज इसका राइट आंसर है शरत कमल अचंता, इनको दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु हैज़ बीन नेम्ड ICC मैन T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? किसको ICC मैन T20 वर्ल्ड कप 2022 का प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट अवार्ड दिया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, सैम करन या जोस बटलर। तो गाइज इसका राइट आंसर है सैम करन, सैम करन को जो है वो दिया गया है ICC मैन T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर किसको अपॉइंट किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है एन के सिंह, विशाल नारायण, अरविंद विरमानी या दुवुरी सुब्बाराव। तो गाइज इसका राइट आंसर है अरविंद विरमानी, अरविंद विरमानी को जो है फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है नीति आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट पैसा? किस स्टेट ने जो है इम्प्लीमेंट किया है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया जिसको हम पैसा एक्ट भी बोलते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा। तो गाइस पैसा एक्ट जो है वो किया है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेटा इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट मेटा इंडिया के किसे अपॉइंट किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है संध्या देवनाथन, अरविंद कृष्णा, लीना नायर, निकेश अरोड़ा। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है संध्या देवीनाथन, संध्या देवीनाथन को है वाइस प्रेसिडेंट मेटा इंडिया का बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ इमर्ज एज ओवरऑल टीम चैम्पियन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपियन गेम 2022? किस स्टेट जो इमर्ज हुई है एज ओवरऑल टीम चैम्पियन नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स में? तो आपके पास ऑप्शन है मेघालय, असम, त्रिपुरा या मणिपुर। तो गाइज इसका राइट आंसर है मणिपुर, मणिपुर जो है ओवरऑल चैम्पियन टीम बनी है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NPS ट्रस्ट? किसको NPS ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है अजय कुमार बल्ला, राजीव गौबा, सूरज बाण या उर्जित पटेल। तो गाइज इसका राइट आंसर है सूरज बाण, सूरज बाण को जो है चेयरमैन बनाया गया है NPS ट्रस्ट का। हु हैज़ बिकम द इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर? कौन सी इंडियन आर्मी की फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर हैं? तो आपके पास ऑप्शन है अभिलाषा बाराक, आरती सिरेन, राजश्री रामसेतु या लेंस नायक मंजू। तो गाइज इसका राइट आंसर है लेंस नायक मंजू, ये जो है इंडियन आर्मी की फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन कमीशन में एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, वो कौन है? आपके पास ऑप्शन है गणेश शंकर मिश्रा, अजय पॉल सिंह, आलोक अवस्थी या अरुण गोयल। तो गाइज इसका राइट आंसर है अरुण गोयल। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पैडलर टू विन अ मेडल एट एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट? वो कौन से फर्स्ट इंडियन पैडलर हैं जिन्होंने जीता है एशिया कप में मेडल किस कैटेगरी में टेबल टेनिस टूर्नामेंट में? तो वो आपके पास ऑप्शन है मैनिका बत्रा, सिरजा ओकोला, अंकिता दास या सुतिरिथा मुखर्जी। तो गाइज इसका राइट आंसर है मैनिका बत्रा, मैनिका बत्रा जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन पैडलर हैं जिन्होंने मेडल जीता है एशियन कप टेबल टेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ ईयर एट IFFI 2022? किसको जो है किसका नाम लिया गया है इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर IFFI 2022 में? तो आपके पास ऑप्शन है शर्मिला टैगोर, नसीरुद्दीन शाह, चिरंजीवी या नागार्जुन। तो गाइज इसका राइट आंसर है चिरंजीवी, चिरंजीवी को जो है इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है IFFI 2022 में। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद पीस प्राइज बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन? गांधी मंडेला फाउंडेशन की तरफ से पीस प्राइज़ किसको दिया गया? तो आपके पास ऑप्शन है
मलाला यूसुफजई, दलाई लामा, कैलाश सत्यार्थी या बराक ओबामा। तो गाइज इसका राइट आंसर है दलाई लामा। दलाई लामा को जो है पीस प्राइज दिया गया है गांधी मैंडेला फाउंडेशन की तरफ से। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 25 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। 25 नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस का थीम क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है ब्रिंग सिटीजन इंडस्ट्री, गवर्नमेंट क्लोजर, डिजिटल गवर्नेंस अक्रॉस होल ऑफ द गवर्नमेंट, द रोल ऑफ ई गवर्नेंस, ब्रिंगिंग गवर्नेंस एंड सिटीजन क्लोजर। तो गाइज इसका राइट आंसर है ब्रिंगिंग सिटीजन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन यूएन हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड फ्रॉम इंडिया। यूएन का सबसे हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड इंडिया की तरफ से किसने जीता है? तो आपके पास ऑप्शन है पूर्णिमा देवी बर्मन, सुनीता नारायण, जयदेव पयांग, वंदना शिवा। तो गाइज इसका राइट आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है वो यूएन का हाईएस्ट अवार्ड इन्वायरमेंटल अवार्ड दिया गया। विच विलेज इन तमिलनाडु हैज़ बीन नोटिफाई एज द स्टेट फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। कौन सा विलेज जो है तमिलनाडु का जिसे नोटिफाई किया गया है स्टेट के फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो आपके पास ऑप्शन है नेवानी पट्टी, केलाविलाउ, रीता पट्टी या किदारी पट्टी। तो गाइस इसका राइट आंसर है रीता पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, हु हैज़ बीन नेम्ड एज पाकिस्तान न्यू आर्मी चीफ। पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ किसे बनाया गया? तो आपके पास ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास या लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद। तो गाइस इसका राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, ये हैं नए पाकिस्तान के आर्मी चीफ। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट स्टिकर्ड बेस्ड डेबिट कार्ड। कौन सा जो बैंक है वो जिसने लॉन्च किया है फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड? तो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। तो गाइस इसका राइट आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनवर इब्राहिम हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अनवर इब्राहिम को प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री का बनाया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम या सिंगापुर। तो गाइज इसका राइट आंसर जो है वो है मलेशिया। तो गाइज ये थे हमारे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स। तो आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे। तो अगर आपको बढ़िया लगे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।